तो फ्रेंड्स, ये जो है जो विकलांग हैं, दिव्यांग जो हैं, तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, ये जो दिव्यांग बच्ची है उसको जय श्री राधे राधे। फ्रेंड्स, तो अभी मैं हूँ यमुना घाट के, दिव्यांग लोग हैं उनको यहाँ पर जो साइकिल है वो दी जाएगी, दिव्यांग साइकिल जो है। तो ये प्रोग्राम जो है हरीश रामजन हल्द्वानी वालों ने कर रहे हैं यहाँ पर, जिसके जो संस्थापक हैं वो भाई जी महाराज, उनके द्वारा ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ वीडियो पे। तो बाकी यहाँ तो यहाँ पर भी बंदरों का तो काफ़ी आतंक है, चश्मा तक नहीं पहनने दे रहे बंदर, तो चश्मा ले जा रहे हैं कि फ्रूटी देनी पड़ रही या फल फूल जो भी दो तब जाके कहीं वापस कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, बाकी दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, बने रहना मेरे साथ वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, ये जो है जो विकलांग हैं, दिव्यांग जो हैं, उनको ये दी जाएगी हरीश रामजन की ओर से। तो हरीश रामजन द्वारा यहाँ पर पूरा पंडाल लगाया गया है। ये जो इसके संस्थापक हैं वो अपने भाई जी हैं, तो स्वामी राम गोविंद दास जी, भाई जी महाराज, उनके द्वारा ये किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, सभी दिव्यांग जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और तो अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम हैं अभी जुगल घाट पे। तो यहाँ से 7 घाट पड़ते हैं, तो ये जुगल घाट है, उसके बाद लास्ट जो घाट है वो केसी घाट है। तो ये है कि इसके बीच में जो घाट पड़ते हैं, 7 घाट पड़ते हैं। सामने रहा नंदगांव, ठीक है, और ये है कि वासुदेव जब भगवान कृष्ण को लेकर के आए थे जब, तो यही जमुना है जो उन्होंने पार की थी, और भगवान कृष्ण ने कालिया नाग से जो युद्ध किया था तो यही जमुना में किया था। तो आप देख रहे होंगे पूरी काली है हमारे यहाँ पर। अब नैनीताल का ताल का पानी भी आप देखेंगे हरा होगा गहराई की वजह से, लेकिन यहाँ पर जो जमुना है वो पूरी काली है, ये देखिए। तो अभी मैं हूँ वृंदावन के जुगल घाट पे, जो प्रोग्राम चल रहा है हरीश रामजन हल्द्वानी द्वारा, जो दिव्यांगों को जो है साइकिल दी जा रही है, जिनके मतलब पैर नहीं हैं तो उनके लिए ये साइकिलें हैं। और यहाँ पर श्री कृष्णचंद ठाकुर जी भी में पधारे हुए हैं, और जो हमारे भाई जी हैं स्वामी राम गोविंद दास जी, तो ये यहाँ पर कृष्णचंद ठाकुर जी द्वारा लोगों को संबोधित किया जा रहा है। इससे बड़ा सत्कार जिस कर्म कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अपमाई। तो महाराज, कितने आनंद की बात है, श्री हरीश रामजन परिवार हल्द्वानी के तत्वावधान में जिस की सत प्रेरणा से, और हमारे ब्रजेश गोस्वामी जी की भी सत प्रेरणा से और उनके निर्देशन में आज ये इतना सुंदर कार्य हो रहा है। हमारे शास्त्रों में तो प्रत्येक हृदय में विराजमान है मेरा बांके बिहारी,
तो इन जनों की जो सेवा है ना, वो बांके बिहारी जी की ही सेवा है, बांके बिहारी की। आज हम लोग इस सुंदर उत्सव को करने जा रहे हैं, कई वर्षों से हम लोग श्री यमुना जी का चुनरी मानव यमुना जी का पूजन कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा लगभग मुझे लगता है 40 से 50 वर्षों के बीच से हम लोग आदरणीय ठाकुर जी की श्रीमुख से मधुर कथाओं का आनंद ले रहे हैं, और भगवती यमुना जी साहब सामने विराज रही हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि किसी न किसी दिन आप श्री हल्द्वानी विराजिए, और हल्द्वानी आकर के सभी भक्तों को श्री कथा का लाभ दीजिए, हरी कथा का लाभ हो। और आप यहाँ पर आए बहुत सरलता के साथ, आप लोग आप यहाँ पर आकर विराजे, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, तो आपने हम पर बड़ी कृपा करी है आने की, और आप सब आशीर्वाद देते रहिए हम सभी लोगों को, क्योंकि आप सब स्वयं श्री भागवत पीठ पर विराज रहे हैं आप, और आप तो आप सब हमको आशीर्वाद देते रहिए कि श्री बांके बिहारी जी की अहेतु की कृपा हम सब पर बनी रहे, और हमारे कर्म भी अहेतु की भगवान के श्री चरणों पर चलते रहे। सबको एक एक साइकिल पे हम लोग बैठाएंगे, जो इस कार्यक्रम का क्रम है उस क्रम के साथ आप लोग आज प्रसाद स्वरूप ठाकुर जी का दूध भी है, आप लोग सब दूध पीजिएगा, और यहाँ से आप लोग विदा लीजिएगा, और आप हम सबको आशीर्वाद दीजिए, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग खूब सेवा करते रहें, और ठाकुर जी के श्री चरणों में हम सबका निरंतर प्रेम बढ़ता रहे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, ये जो दिव्यांग बच्ची है उसको साइकिल दी गई है। तो फ्रेंड्स ये जो है दिव्यांगों को जो हाथ से चलने वाली जो साइकिल होती है वो दी जा रही है। आप देख रहे होंगे दिव्यांगों को जो है साइकिल भी दे दी गई है, और साथ में दूध भी दिया जा रहा है, क्योंकि आज बांके बिहारी जी का जो है जन्मदिन है, तो उस उपलक्ष्य पर गिफ्ट के तौर पे जो दिव्यांग हैं उनको जो है साइकिल दी गई है हरी शरणम जन की ओर से। तो सभी महिलाएं और यहाँ पर ऐसा है हल्द्वानी से आई हुई हैं, और अपना अपना योगदान यहाँ पर दे रही हैं, तो हम भी इसमें शामिल हो गए थे, क्योंकि हमारे ही क्षेत्र से इतना बड़ा कार्य हो रहा है, तो ये सब साइकिल जो है वितरित कर दी गई हैं। तो फ्रेंड्स सभी दिव्यांग जो हैं अपना साइकिल लेकर के जा रहे हैं। श्री राधे राधे। तो जैसा कि देखा आपने फ्रेंड्स कि क्या कहते बिहारी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर लोगों को जो है साइकिल दिव्यांगों को साइकिल भेंट की गई, और ये है कि अभी जो होगा
चुनरी मनोरथ कार्यक्रम होगा, तो क्योंकि ऐसा है फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ब्लॉक कर रहा हूँ। तो ये बताइए कि कैसा रहा, ये है बिहारी जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में दिव्यांग लोगों को हरि शरणम जन हल्द्वानी की जो संस्था है उसके द्वारा दिव्यांगों को यहाँ पर जो है साइकिल बांटी गई। और ये है कि अभी थोड़ी देर बाद जो होगा चुनरी मनोरथ प्रोग्राम होगा, तो ये ब्लॉग दूसरा आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।